सूरत नई इलेक्ट्रिक बस। देखो हम धूप में घूम रहे हैं, कितना धूप है यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात यही है कि पूरी एसी बस है। अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि क्या माहौल में आ गए। एसी बस है पूरी। धूप में एसी बस में आना काफ़ी अच्छा लगता है। सूरत की नई BRTS बस देखेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है, लुक भी काफ़ी बढ़िया है। ये अंदर की साइड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से BRTS की एंट्री होती है। इसमें कई फैसिलिटी नई डाली गई है जो पहले नहीं थी। ये देखिए, ये पोर्शन पूरा अलग दिया गया है। कुछ सीटें ऊंची बनाई है यानी कि व्यू अच्छा मिले। ये देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लगती है। कुछ सीट ऐसी होती है जी, देखिए ये भी पीछे वाली सीट भी अच्छी है। अभी मैं आपको कुछ फैसिलिटी दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये था कि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आया तो आप यहाँ से डायरेक्टली ड्राइवर को मैसेज भेज सकते हैं कि गाड़ी को स्टॉप कीजिए। यहाँ पे सेफ्टी के लिए सेंसर लगाए गए, ये सेफ्टी के सेंसर है यहाँ पे, बराबर है। ये बीच वाली जगह भी काफ़ी बड़ी दी गई है। ये चीज़ बिल्कुल नई है। ये हैंडीकैप लोग आते हैं इसकी, अगर BRTS से बस से अगर कोई बंदा चढ़ेगा और उसको अगर हैंडीकैप यानी है और व्हीलचेयर के साथ यहाँ पे रहना है तो उसके लिए अलग जगह दी गई जहाँ पे ये रुक सकते हैं। ये एक अलग रीते हैं। इसमें अगर कोई बंदा है, इसको कुछ समय के लिए खड़े रहना है लेकिन उसमें कुछ हैंडीकैप है, तो उसको ये सीट बेल्ट जैसा भी है और आगे पीछे पकड़ने के लिए, आजू बाजू पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा प्रोविज़न दी गई है। फायर के लिए भी सोचा गया है। ये देखिए, ये फायर के लिए भी पूरा तैयार है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एंट्री जो गेट है, एंट्री गेट के बिल्कुल बगल में कुछ सीट नीचे रखी गई है, कुछ ज़्यादा नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें ये ध्यान रखा गया कि भाई सीनियर सिटीज़न बैठ सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, बच्चा साथ में हो, तो उसको बैठने में थोड़ी ईजीली आराम हो, उसके लिए ये डाला गया है। ये पकड़ने के लिए अब देखोगे तो पकड़ने का भी हैंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नई बस है तक। लेकिन और ये अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो 11 नंबर के रूट में यानी कि उधना दरवाजा से सचिन GIDC तक का है ये रूट। और आने वाले समय में सठाना से भी नया रूट चालू हो सकता है, अभी प्लानिंग चल रहा है। ये अभी पायलट रूट है, काफ़ी सक्सेसफुल है, तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 5 कैमरा है। एक कैमरा जो ये हम देख रहे हैं वो आगे की साइड यानी देखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। एक कैमरा पीछे की साइड यानी कि बस के पीछे का रेडियो रिकॉर्डिंग कर सके। और ये 3 कैमरा बस के अंदर है यानी कि बस में भी अगर कुछ भी हो तो वहाँ पे कंट्रोल रूम से हम देख सकते हैं। तो ये बस हम ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। ये टाइमिंग के लिए भी है और बस अच्छी बनाई गई है। SMC न्यू इलेक्ट्रिक बस, नवी नवी फैसिलिटी साथ एक नवी बस लॉन्च थी से सूरत शहर में। सूरत में भी नई इलेक्ट्रिक बस लॉन्च हुई है कई नई नई फैसिलिटी के साथ। मैं अभी सचिन GIDC के पास हूँ। यहाँ पे ये जो बस जो आ रही है ये पूरी इलेक्ट्रिक बस है। ये देखिए बहुत बढ़िया लुक है उसका।